नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। घने अंधेरे की तरह एकदम गहरा काला रंग, तीन नेत्र, बिखरे हुए बाल, यही मां का सातवां विग्रह स्वरूप यानी कालरात्रि रूप है। मां के तीनों नेत्र ब्रह्मांड के गोले की तरह गोल हैं। उनके गले में विद्युत जैसी छटा देने वाली सफेद माला सुशोभित है। मां की चार भुजाएं हैं जिनसे वे भक्तों को शुभ फल प्रदान करते हैं। इसी कारण मां को शुभकरी भी कहा जाता है। मां का वाहन गधा है। नवरात्रि के सातवें दिन मां दुर्गा की सातवीं शक्ति मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि की विधिवत पूजा अर्चना करने से माता अपने भक्तों को काल से बचाती हैं, अर्थात माता के भक्त को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। नवरात्रि के सप्तमी तिथि की पूजा सुबह में अन्य दिनों की तरह ही होती है, लेकिन रात्रि में माता की विशेष पूजा भी की जाती है। आइए जानते हैं कि मां कालरात्रि का स्वरूप, भोग, आरती और मंत्र। शारदीय नवरात्रि का सातवां दिन मां दुर्गा की सातवीं शक्ति मां कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। मां कालरात्रि की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कालरात्रि मां को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तंत्र मंत्र के साधक मां कालरात्रि की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मां कालरात्रि पूजा विधि। नवरात्रि के सातवें दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें। कलश स्थापना के बाद मां दुर्गा की विधिवत पूजा करने के साथ मां कालरात्रि की विधिवत पूजा करें। फूल माला, सिंदूर, कुमकुम, रोली, पंचमेवा, फल, मिठाई, गुड़ से बनी चीजें आदि को अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाने के साथ धूप जलाकर मंत्र, स्तुति, चालीसा आदि का पाठ करने के बाद आरती कर लें। मां कालरात्रि भोग। मां कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाने से वे जल्द प्रसन्न होती हैं। कालरात्रि प्रार्थना मंत्र। एक वेड़ी जपा कर्णपुरा, नगना खरास्थिता, लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी, तैलाभ्यक्त शरीरणी। मां ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों की प्राप्ति के लिए राह खोल देती हैं और साधक को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मां नकारात्मकता, तामसी और राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश करके भक्तों को दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत आदि भयावह शक्तियों से उनकी रक्षा कर अभय प्रदान करती हैं। उनकी उपासना से प्रतिकूल ग्रहों द्वारा उत्पन्न होने वाली बाधाएं भी समाप्त होती हैं और भक्त अग्नि, जल, जंतु, शत्रु आदि के भय से मुक्त हो जाते हैं। नमस्कार।